राहुल श्री वीर सिंह जी, 3 मिनट सर, 10 मिनट 3 मिनट जनता ने दिया नहीं, मैं क्या करूं? माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं तथा अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 20 जून को अभी अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें रखीं, सरकार की बहुत सारी उपलब्धियाँ भी गिनाई और बहुत सारे आश्वासन भी देशवासियों को दिए, किंतु महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए और उनके भविष्य के लिए कोई खास बातें नहीं रखी। महोदय, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, 45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि 2011-12 में 2.2% बेरोजगारी थी और 2017-18 में बढ़कर 6.1% बेरोजगारी हो गई, अर्थात आज हमारे देश में 19 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, जो बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ये बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे कि बिना तैयारी के नोटबंदी करना, GST लागू करना और देश में छोटे छोटे उद्योगों को बंद कराना, इससे और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, इस ओर हमें ध्यान देना होगा। माननीय, मैं शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा। आज हमारे देश में शिक्षा की प्रणाली दोहरी हो गई है और आज जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो ठप होते चले जा रहे हैं, उनका स्तर गिरता चला जा रहा है, और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनको वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ा रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में जो प्राइमरी शिक्षा है उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है, क्योंकि कक्षा 5 तक और उन प्राइमरी स्कूलों में हमारे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और सर्व समाज के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ कक्षा 5 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती और कक्षा 6 में उनको अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया जाता है। जिन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और एक तरफ अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर कहाँ बराबरी कर पाएंगे? तो आज इस तरफ सोचना होगा, क्योंकि शिक्षा का आज बुरा हाल है, स्कूल नहीं है प्राइमरी में और दिन पर दिन ये गिरता चला रहा है। जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है इसको समाप्त कर पूरे देश में एक जैसी एक एकल प्रणाली करना होगी, तभी देश का भला होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज छात्रवृत्ति केंद्र सरकार से जो जाती है वो समय पर नहीं मिलती है और प्रदेश सरकारें उसको बच्चों को नहीं देती हैं, जो छात्रवृत्ति होती है तो वो भी नहीं मिल पाता है। अंत में मैं महोदय अपनी बात कहना चाहूँगा आरक्षण के संबंध में। आज छत्रपति साहू महाराज जी का जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन पर अपनी पार्टी की तरफ से, सदन की तरफ से उनको उनके जन्मदिन पर सुमन समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो आरक्षण के जनक थे, उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की थी। आज आरक्षण देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अभी तक आरक्षण किसी भी विभाग में पूरा नहीं है। पूरा तो छोड़ो, आज आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी विभागों को ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमको भारतीय संविधान में SC ST OBC के लोगों को अधिकार दिए थे, आज उनको समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है, किंतु सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में देते समय उसमें आरक्षण की व्यवस्था करें, जिससे कि ST OBC के लोगों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद। श्री वीर सिंह जी ने याद दिलाया, आज छत्रपति साहू महाराज जी का जन्मदिन है, उसको और